ये पानी पियोगे, पी सकोगे ये पानी? बोलो। तो अगर आपने बोला कि आपका एक्वेरियम का पानी आप पी नहीं सकते, तो शायद आपका पानी बहुत गंदा है। क्या कहते हैं? नहीं? ये सोचने समझने वाली बात है। आप मछली रखते हो घर में, मछली पालते हो, एक्वेरियम हॉबी में हो, मैं सोचता हूं कि मैं मछली नहीं पालता, मेरा एक ही जॉब है, एक ही काम है, जब मैं एक्वेरियम रखता हूं तो मेरा इसमें रोल या काम है पानी को साफ रखना, बस। आपके जितने भी फिश है, अरवाना हो, फ्लारॉन हो, सिक्लिड हो, टेट्रास हो, मॉलीज हो, गप्पीज हो, गोल्ड फिश भी हो, उन सब में कुदरती स्वभाव है, इंस्टिंक्ट्स है, प्लांट्स में भी। और अगर आपने पानी साफ रखा तो ये सब मस्त बढ़ेंगे, अच्छा ग्रो होंगे और उनमें कोई डिजीज नहीं आएगा। ओके, तो आज का टॉपिक यही है, जीरो कॉस्ट में मेडिकेशन जो आप घर में कर सकते हो हर एक फिश के लिए, हर एक फिश के लिए, गोल्ड फिश हो या अरवाना हो या टेट्रा हो या कोई भी फिश हो, फ्लारॉन हो, सिक्लिड हो, ऑस्कर हो, हर एक फिश के लिए। ये जो मैं नुस्खे बता रहा हूं आपके लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सबसे ज्यादा समझना है। तो आगे जाके मैं आपको एक वीडियो में दिखाने वाला हूं कि घर के खाना या होममेड फूड फिश के लिए कैसे बनाते, कैसे खिलाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पानी साफ रखना सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दो और नुस्खे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये तीन नुस्खों को आप करेक्टली यूज करोगे तो आपके फिश हमेशा हेल्थी होंगे। सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात बरतना इलाज से भी बेहतर है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसको मैं बोलता हूं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ओके, मतलब एहतियात बरतो, इलाज से डेफिनेटली बेहतर है। एक्वेरियम में वही, एहतियात बरतोगे तो फिश बीमार पड़ेगा नहीं। ओके, और अगर बीमार हो भी गए तो यही नुस्खे काम आएंगे उनको ठीक करने के लिए। तो नुस्खा नंबर वन, पानी साफ रखना। उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा सा फिल्ट्रेशन लेके आएंगे। याद रखो, जो पावर हेड फिल्टर है जो आप अंदर लगाते हो एक्वेरियम के अंदर, जो पावर हेड आता है, वो काम का नहीं है। स्पेशली आप 3 फुट टैंक में एक छोटा सा पावर हेड साइड में लगाएंगे तो काम नहीं होता है मेरे भाई।
बिकॉज हमें फिल्ट्रेशन में चाहिए अच्छा क्वालिटी का बायोमीडिया. ओके, अब देखो कि फिल्टर में बायोमीडिया कैसे डाला जाता है. ये जो बायोमीडिया है ये फिल्टर में अंदर बैक्टीरिया के लिए घर बनाता है, और बैक्टीरिया जो अमोनिया टैंक में प्रोड्यूस होता है उसे तोड़ता है और पानी को साफ करता है. आपका एक्वेरियम का पानी एक ग्लास में लेना और स्मेल करना, सूंघना. अगर मच्छी का स्मेल या पंजेंट वो एसिड टाइप स्मेल आता है, ठीक है, तो उसमें अमोनिया है. वो अमोनिया टूटना चाहिए, तोड़ना चाहिए. उसके लिए बैक्टीरिया ही काम करता है और वो बैक्टीरिया फिल्टर में रहता है. जब आप पावरहेड लगाते हो तो वो बैक्टीरिया उसमें ज्यादा पनपता नहीं है और आपका अमोनिया रह जाता है. अमोनिया से फिनरॉट, अमोनिया बर्न, बॉडी ब्लैक होना, ठीक है, काफी सारे इश्यूज आते हैं. खाना नहीं खाना, एक जगह जाके बैठना, ये सब इश्यूज है. ठीक है, तो ये इसका नुस्खा भी हो गया, प्रिकॉशन भी हो गया. तो जितना बड़ा टैंक होगा उतना अच्छा फिल्ट्रेशन होना चाहिए. यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है. फिल्ट्रेशन रखो, अच्छा रखो, उसमें बायोमीडिया रखो और सर्कुलेशन. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल्टर 24 आवर्स 365 डेज चलना चाहिए. किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मैं फिल्टर रोज 2-3 घंटे बंद करता हूं क्योंकि किसी ने बोला मोटर जल जाएगा. भाई फिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिल्टर, आप सोच लो. ओके, वो एक्वेरियम का हॉबी ना, फिश का हॉबी है. फिल्टर एडिशनल है, जरूरी है और चलना भी जरूरी है. इट हैज टू बी ऑन फॉर 24 आवर्स 365 डेज. ओके, नाउ एक तरफ हो गया फिल्ट्रेशन जो पानी को साफ करके अमोनिया तोड़ के वापस दे रहा है. तो आपका पानी ना मिल्की होगा, ना येलोइश होगा, साफ होगा. साफ बहुत जरूरी है ये. ओके, साफ पीने लायक. तो ये जितने भी नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट नुस्खे, ये आप हॉस्पिटल टैंक में करेंगे. फिश को अलग करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे. प्लांटेड एक्वेरियम में मत करना. और कम्युनिटी टैंक है, मतलब एक से ज्यादा मछली है और एक मछली बीमार है तो मत करना. अगर सब मछली बीमार है नो प्रॉब्लम, वही टैंक में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो. या अगर आपका फ्लारॉन अरवाना टैंक है जहां पे एक ही मछली है उसी टैंक में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ अगला नुस्खा जो है इज जीरो कॉस्ट नुस्खा. भाई कोई कॉस्ट नहीं है. हाँ, बहुत कम कॉस्ट है. नमक, सॉल्ट, ये पथरीला नमक या रॉक सॉल्ट, मतलब मोटा जाड़ा नमक, ठीक है, ये ऐसा जाड़ा है, वो पाउडर वाला नहीं जो हम लोग खाने में डालते, ये भी खाने में डालते बट जाड़ा नमक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आयोडीन फ्री होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मतलब अच्छा वाला जाड़ा नमक. इसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम.
सॉल्ट का ट्रीटमेंट जो है ना, इसको करने से क्या होता है ये पहले समझो बात। जब आप सॉल्ट डालते हो ना, हिसाब किताब मैं बताऊंगा आपको, बट जब आप सॉल्ट डालते हो क्या होता है, अभी जैसे फिन रॉट जैसे डिजीज ले लो, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया के वजह से होता है। सॉल्ट का सॉल्यूशन जब हम डालेंगे पानी में, तो सॉल्ट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर से पानी निचोड़ता है या बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट करता है, और जब कोई भी पानी निकल जाता है, जैसे हमारे शरीर में पानी निकल गया तो मर जाएंगे, सेम बैक्टीरिया को होता है, ओके, एंड बैक्टीरिया मरने लगता है और फिश हेल्थी होने लगता है। तो सॉल्ट ट्रीटमेंट जो है ना, ये कैसे बोलते हैं, चमत्कारी ट्रीटमेंट है, ओके। आपको मार्केट जाके कोई भी मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक, जरूरत नहीं है, वो लास्ट रिजॉर्ट है। अगर ये काम नहीं करे, ठीक है, तब जाके वो मेडिसिन काम आता है। अभी यही बेस्ट है आपके लिए, ओके। तो सॉल्ट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कितना डालना चाहिए और कितना दिन के लिए करना चाहिए, अभी हम देखेंगे। सॉल्ट ट्रीटमेंट ना तभी काम आएगा जब आपका पानी बहुत साफ है, याद रखो। पहला बात, अगेन फर्स्ट पॉइंट, पानी अगर साफ नहीं है तो सॉल्ट ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। अगर आपके पानी में अमोनिया ज्यादा है और आप सॉल्ट पे सॉल्ट डालते रहो, कुछ नहीं होने वाला बाबा, ओके। पानी साफ होना चाहिए, इसलिए वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट नुस्खा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट नुस्खा सॉल्ट, और सॉल्ट यूजुअली 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। तीन हफ्ते का ट्रीटमेंट, ओके। एक दिन सॉल्ट डाल दिया और अरे मेरा मछली अभी भी बीमार है, नहीं। जैसे हमको भी डॉक्टर बोलते हैं ना, पूरा डोज मेडिसिन लेना है, बुखार है तो 4 दिन का मेडिसिन देते हैं या 6 दिन का मेडिसिन देते हैं हमारे बीमारी के ऊपर, तो ये भी 3 हफ्ते का मेडिकेशन है। मैं हफ्ते दर हफ्ते का मैं समझाता हूं, आप नोट डाउन कर लेना अगर चाहिए तो, ओके। हफ्ता नंबर 1, आप डालोगे 15 ग्राम सॉल्ट, 15 ग्राम सॉल्ट 10 लीटर पानी में, ओके। नाउ अगेन फॉर क्लैरिफिकेशन, ओके, ये वाला टैंक 90 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर है। इसका अंदर पानी करीब 120 लीटर है, ओके, अप्रॉक्सिमेट। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है, नीचे है देखो, और ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पानी का वॉल्यूम पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला ना, हॉस्पिटल टैंक घर में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज 120 लीटर पानी में आप ट्रीटमेंट करोगे तो मुश्किल होगा। हाँ, अगर फिश बड़ा है तो कर लो इसी में, लेकिन ट्रीटमेंट करेक्ट होना चाहिए एंड मेजरमेंट्स करेक्ट होना चाहिए। ओके, अभी आपके घर में मेजरिंग है तो आप मेजर कर लो, मतलब वेइंग स्केल है वजन करने के लिए, तो 15 ग्राम वजन कर लेना। अगर नहीं है तो ये सिंपल सा चाय का टीस्पून है, जो चाय मिक्स करते हैं टीस्पून, इसका 3 ऐसे बड़ा हुआ चम्मच, ये 5 ग्राम है, तो 3 चम्मच डाल देना, 15 ग्राम हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा है, टेबल स्पून बोलते हैं, वो 1 डालना, वो 15 ग्राम होता है, ठीक है, सिंपल है ना, ओके। बेस्ट ऑप्शन
दुकान में जाओ, मेजरिंग कप्स आते हैं, स्पून या मेजरिंग कप, अगर वो है बेस्ट, यूजुअली सबके घर में होता ही है, कोई ना कोई हमारे मम्मी या सिस्टर्स कोई रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, मेजरिंग कप मिलता ही है, तो उसमें आप मेजर करके डाल लेना। स्टेप वन, वीक वन, 15 ग्राम सॉल्ट इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, सॉल्ट को आप दो तरीके से डाल सकते हैं, एक तो सीधा लेके डाल दो, वो थोड़ी देर में घुल जाएगा, या एक कप में डालो, ठीक है, पानी डालो, थोड़ा उसको घोल लो, ओके, एंड फिर डाल देना। दोनों में तो ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, काम करने से मतलब है, नो इश्यू। नाउ एक हफ्ते के लिए वो सॉल्ट पानी में रहेगा, ठीक है, काना कम करो। अगर आप दो टाइम खिला रहे हो और एक चम्मच खाना खिला रहे हो, एग्जाम्पल है, एक चम्मच कोई नहीं खिलाता, चार दाना छह दाना खिलाते हैं, अगर आप दो टाइम खिला रहे हो और एक चम्मच खाना खिला रहे हो, तो सिर्फ एक टाइम खाना दो और एक चौथाई चम्मच खाना देना। ये अगर बीमारी नॉर्मल है, अगर बीमारी सीरियस है, बहुत इफेक्ट हुआ है, खाना मत देना, ठीक है, कम से कम दो से चार दिन खाना मत देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिश को, डरना मत, ठीक है। नाउ स्टेप वन में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंफेक्शन है फिश को, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने पानी साफ किया, नमक डाला, एक हफ्ता वैसे ही रखा, वन वीक के लिए, तो अगेन अगर मछली ठीक हो गया तो वो नमक का पानी 30% निकालेंगे, फिर एक 30% निकालेंगे, नमक का पानी पूरा आउट करके फ्रेश वाटर आ जाएगा, और वो भी एक हफ्ते के दौरान, इमीडिएट मत करना, ओके, एक हफ्ते के दौरान हो जाएगा, मछली हेल्थी है, टैंक में डालो मछली को। नाउ अगर बीमारी बढ़ गया नमक के पानी में डालने के बाद भी, देन स्टेप टू में जाएंगे। स्टेज टू में आप क्या करोगे, 6 लीटर पानी में 15 ग्राम सॉल्ट डालोगे, मतलब सॉल्ट की मात्रा बढ़ा रहे हो। पहले हमने बोला कि 10 लीटर पानी में 15 ग्राम सॉल्ट, अभी हम 6 लीटर पानी में 15 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सॉल्ट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। देन सेम प्रोसेस, अगर फिश ठीक हो गया तो सॉल्ट की मात्रा निकालो, फ्रेश वाटर डालो, अगर ठीक नहीं हुआ देन ये वाला बहुत रिस्की है, बहुत ही रिस्की है, जहां पे आप 15 ग्राम सॉल्ट 3 लीटर पानी में डालोगे, बहुत नमक होता है ये, बहुत सॉल्टी होता है, फिश के लिए भी रिस्की है, ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा कि कितना सीरियस है फिश का जो बीमारी है, कितना सीरियस है, ठीक है। नाउ स्टेज वन हल्का सा फिन रॉट, स्टेज टू व्हाइट स्पॉट्स एक, स्टेज थ्री इज अगर पूरा फिन कट गया है। ये देखो, ऑब्जर्व करो, और डाउट है मैसेज करना, ओके, तो ये 3 स्टेज है। तीसरा और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नुस्खा आज के लिए, हीटर। ठीक है, हीटर होना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल टैंक के अंदर। हीटर आप थर्मोस्टैट वाला यूज करो, थर्मोस्टैट मतलब जब आप 28 डिग्रीज में सेट करते हो और 28 डिग्री हो जाता है पानी, तो हीटर बंद हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है फिर हीटर चालू होएगा, पानी 28 में आएगा, बंद होएगा,
थर्मोस्टैट वाला लेना। ये क्या करता है, आपको करंट भी बचाता है और पानी ओवरहीट करने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हीटर यूज करने में मैंने पिछले वीडियो में बताया, अलग सा थर्मोमीटर में चेक करो कि हीटर काम कर रहा है कि नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ ये तीनों नुस्खे जो है साथ में काम करते हैं, अलग अलग नहीं। आप ट्रीटमेंट के टाइम में पानी साफ होगा, हीटर ऑन होगा, 28 डिग्रीज में होगा और आप नमक का ट्रीटमेंट भी करेंगे, ये तीनों साथ में पैकेज डील है। नाउ प्लीज 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 प्लांटेड टैंक में हीटर मत डालो, प्लांट सब मर जाएंगे। और ट्रीटमेंट ऐसे फुल प्लांटेड टैंक्स में मत करो, एक छोटा टैंक ले लो, बिकॉज अभी मैंने समझाया ना, 10 लीटर पानी 15 ग्राम सॉल्ट, तो एक छोटा टैंक रखो घर में, हॉस्पिटल टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प होता है आपको और आपके फिश को। और भी छोटे छोटे नुस्खे हैं, जैसे इंटरनल पैरासाइट के लिए एप्सम सॉल्ट यूज करना, अगर ये ट्रीटमेंट काम नहीं करता, एक्चुअली करेगा लेकिन अगर नहीं करता है, तब जाके मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स वो सब लेना। तब तक मत लेना। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें, प्लीज समझ के दो तीन बार देखो वीडियो, पॉइंट समझो। मैं इसका जो मेथड्स है डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा ताकि लोग पढ़ सके और कंफ्यूज ना हो। ओके, एंड इसको करेक्ट यूज करो। अभी थोड़ा बीमार है तो ज्यादा सॉल्ट मत डालना, अगेन बीमारी बढ़ जाता है, नहीं तो फिश मर जाएगा। ओके, तीन हफ्ते का ट्रीटमेंट 3 हफ्ते में ही करो, गाय मत करना, अर्जेंट मत करो, नहीं होता काम, कुदरती चीजें हैं। ठीक है, आराम से ही ठीक होते हैं हमारे जैसे। नाउ ये तीन नुस्खे तो मैंने बता दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चौथा पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, आप प्लीज बुरा मत मानना, ये मेरे दिल से निकल रहा है बात। ओके, अभी हम लोग फिश घर में क्यों लाते हैं, हमारे सुख शांति के लिए, ताकि हम डिस्ट्रेस हो, हम खुश हो, हमारे फैमिली खुश हो। और कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी, पैसा, हेल्थ, वो वास्तु वगैरह रीजंस, कोई भी रीजन हो, हम लाते हैं अपने लिए यार, थोड़ा उनके लिए भी करते हैं ना। ठीक है, पानी साफ रखो यार प्लीज, बिकॉज मैं इतना मैसेजेस पढ़ता हूं, आपको मालूम ही है मैं सब मैसेज रिप्लाई करता हूं, सब मैसेज पढ़ता हूं, इतना लोगों को इश्यूज है कि फिश ऐसे बीमार है, वैसे बीमार है, ये प्रॉब्लम है, एंड सबका आंसर वही है, अमोनिया पॉइजनिंग, पानी गंदा है आपका, या आप नल का पानी यूज करते हो उसमें क्लोरीन ज्यादा रहता है, आप चेक नहीं करते। अगर हम फिश से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ वापस भी देते हैं ना यार, क्लीन वाटर, गुड फिल्ट्रेशन, ओके, गुड ट्रीटमेंट, गुड फूड, अगर ये चीज दें तो फिश भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैं लास्ट में बता रहा हूं ताकि आप वीडियो पूरा देखें। ओके, पॉइंट ये है कि सॉल्ट काम करता है, ऐसा सॉल्ट जरूर काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज डालो तब काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमारे जैसा ही, अगर हम रोज एंटीबायोटिक खाएंगे तो एंटीबायोटिक असर करना बंद हो जाएगा। ओके, तो सॉल्ट भी ऐसा ही है, जब जरूरी होगा तब डालो।
वाटर चेंजेस में थोड़ा डाल सकते हो, मतलब 10 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से, बहुत कम, सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी बैक्टीरिया है साफ करने के लिए, ठीक है। अगर फिश बीमार नहीं है तो बीमारी का ट्रीटमेंट मत ढूंढो। और बेकार में मेडिसिन मत डालो, एंटी इच ये वो सब मत डालो, वो एक्चुअली जब फिश बीमार होगा तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो जैसे आपने देखा, छोटे छोटे बात, छोटे छोटे नुस्खे, सिंपल आइडियाज पैसे भी बचाते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये आशा करते हुए कि आपने कुछ नया देखा, नया सीखा, मैं पूजा मैडम और मेरा टीम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। सिंपल बातों पे ज्यादा ध्यान दो, छोटे नुस्खे ज्यादा काम आते हैं, और मेरे तरफ से आइडियाज आते रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे, एक और सिंपल आइडिया, एक और सिंपल नुस्खा, और हॉबी का मजा लेंगे, ओके, बाय।